गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 11:57। माय गॉड, आज तो नींद ही नहीं खुल रही थी। वेदर देखो, एली एली, हाँ गुड गर्ल। आज तुम लोग आए नहीं मेरे को परेशान करने के लिए। हाँ, दरवाजा बंद कर दिया था मम्मी ने, इसलिए चाय तो खत्म हो गई। डेली रूटीन पे तीन बच्चों को फ्रेश करवा के आए जल्दी जल्दी। बारिश भी कम है, बारिश है ही नहीं। चलो चलते हैं नीचे। पर 2 घंटे बाद आऊंगा, ये घुमाती रहेगी मेरे को गोल 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 घुमाती रहेगी। इसको ऐसे ही रहना पसंद है। ये आईफोन गिरे, और आईफोन गिरा तो गया। चले क्या है इनको, मतलब फिर बारिश चालू हो गई। बेचारे, ये मेरी, ये दोनों तो सूख जाएंगे। अगर ये गीली हुई तो समझो 1 घंटा पक्का गया मेरा। देखते ही देखते देखो कितनी पानी बारिश आ गई। थोड़ा बहुत कुछ काम है घर का तो वो कंप्लीट करते हैं। अरे हाँ, लाइट बिल चेक करना है। बहुत टाइम हो गया गए नहीं है कहीं राइड पे। बस अब भगवान से एक ही प्रार्थना है, जल्दी से जल्दी ओपन कर दे, सब पहले जैसा हो जाए प्लीज भगवान। यहाँ तो पूरा बंद कर दिया है लोगों ने। चलो चलते, ये मौसम इतना मस्त हो गया। चलो चाय पीते हैं, देखते कैसी। बहुत अच्छी चाय। कितना बड़ा एरर किया।
चला जाऊं। गुड बाय। ये हमारी पहली हाय करो। राम राम। अच्छी लग रही है। ये जल कुकड़ा है, जल कुकड़ा तो बहुत जगह से। इसका गेट खुल जाते तो ये यहाँ पे जाओ। गुड बॉय। अबे स्कूबी गुड बॉय। सिट स्कूबी, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। चलो गुड बॉय। स्कूबी इज अ गुड बॉय। स्कूबी इज अ गुड बॉय। हो रहा था इसके अंदर, इसको लपेट के सोया था। अभी इसने इसको देखा, ये अपने घर में गया। अब इसको भी अपने घर में जाना है। चलो डालते इसको ये अंदर। रॉक्सी कम, रॉक्सी कम, आजा कम रॉक्सी, कम रॉक्सी, चलो जाओ अंदर, चलो चलो अंदर, चलो चलो जाओ। गुड बॉय रॉक्सी इज अ गुड बॉय। सो जाओ, चलो सो जाओ। इतनी मस्त बारिश पड़ रही है ना, जिसकी कोई हद नहीं। बहुत मस्त। देखो दिखाता हूँ आपको। देखा कितनी मस्त बारिश पड़ रही है यार। सीरियसली ये वेदर में अगर रोड ट्रिप करने चले जाए ना बाइक पे, एब्सोल्युटली इतना मजा आएगा ना जिसकी कोई हद नहीं। बहुत मस्त मजा आएगा। Listening Bhuvan Bam song, Kiran. Salute hai Bhuvan Bam sir. Really, kya gaana banaya, matlab dil ko touch kar. Aur ye dekho, kabhi kaam nahi karne denge. Wo dono to andar so gaye mast aaram se. Ye dekho, isko kahan pe aake sona hai. इतनी सारी जगह पड़ी है, इतनी सारी, बट नहीं उधर नहीं, इधर ही आना है, इधर ही आके सोना है इसको। चलो हम एडिटिंग करते हैं। मेरे गन्नों को मैंने 2 दिन से चालू नहीं किया था, अभी कोल्ड स्टार्ट करने लगा। नो एली, नो अभी नहीं, अभी नहीं, मेरा हाथ खराब है। रॉकी, रॉकी, स्कूबी। एली को नहीं चलना है, एली को नहीं लेके जाना, एली को नहीं लेके जाना है, एली को नहीं लेके जाना, एली को नहीं लेके जाना है, एली को नहीं लेके जाना। चलेगी एली? बोलो प्यार से, बोलो प्यार से, बोलो प्यार से, बोलो चलने। डेली रूटीन है, एग्जैक्ट टाइम पे इनको पता चल जाता है कि अभी जैसे ही मैं मास्क उठाऊंगा ना, इनको पता चल जाएगा कि अभी जाना है नीचे। देखो कैसे बैठे, क्या कर रॉक्सी, रॉक्सी ये रहा, स्कूबी, एली। अब देखना भागते कैसे ये लोग। जब भी गेट गेट ओपन करूंगा ना, गेट जैसे ही ओपन करूंगा भागेंगे ऐसे स्पीड में। कल तो मेरा मोबाइल गिर गया, बाप रे, अभी मैं मोबाइल गिराना नहीं चाहता। चलो आ गया मैं, मिलता हूँ ऊपर जाके, अभी इनको फ्रेश करवा के। यस गाइस, तो सीन कुछ ऐसा था ना, मई जून का इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा अप्रोक्सीमेटली 2,000-3,000 आता है, ठीक है। बट इस बार का जो बिल था
वो आया डायरेक्ट 13,500, 13,500 के आसपास है एग्जैक्ट अमाउंट, मेरे को भी नहीं पता। तो हमने सोचा यार इतना बिल तो आता नहीं है, इतना बिल कैसे आ गया। तो मैं गया नीचे मीटर चेक करने गया, तो उसमें मेरे को पता चला कि हमारा जो है 448 4471 ऐसा कुछ मीटर है, रीडिंग था 4471 4, मतलब 4,450 के ऊपर ही था और 4,500 के नीचे, ठीक है। और बिल में था रीडिंग 5385। हमने सोचा यार इतना बड़ा कैसे, 13,500 रुपये बिल, हमने सोचा लॉकडाउन है चलो इतना भी थोड़ी आना चाहिए, 2 गुना 3 गुना ज़्यादा थोड़ी जलता है। तो फिर मैंने चेक किया तो मेरे को लगा इतना बड़ा डिफरेंस, मतलब 915 पॉइंट्स रीडिंग, मतलब इन्होंने बढ़ा के भेजा हमको, क्या मतलब इतना बड़ा फ्रॉड हुआ। और हमारे साथ नहीं, पूरी बिल्डिंग के साथ ऐसा हुआ है, पूरी बिल्डिंग के साथ। तो मैं उधर गया उनके पास उनको पूछने कि ये ऐसा क्यों, इतनी बड़ी मिस्टेक कैसी हो गई आपसे। तो मेरे को कितना रूडली जवाब मिला कि आदमी है ना, आदमी से तो भूल होती है। तो आई वॉज़ लाइक बट आदमी है, आदमी से भूल होती है, बट आदमी को 4 और 5 का डिफरेंस नहीं पता चलता क्या कितना है। तो तब जाके इनको लगा कि नहीं भाई इनका, मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग भी लेके गया था, रिकॉर्डिंग मैंने दिखाया उनको पूरा कि देखो हमारा मीटर रीडिंग कितना, मतलब सोचो हमारा अगर ध्यान नहीं गया होता उस चीज़ पे तो कितना बड़ा अमाउंट पे कर दिया होता हमने। इसलिए गाइस कभी भी अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने जा रहे हो आज के दिन में या आजकल के महीनों का, तो अपना मीटर रीडिंग ज़रूर चेक करना क्या। चलो मैं उनका बिल अमाउंट सब पूरा बिल का कॉपी इसमें डाल दूंगा, आपको देख लेना, और रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा। चलो तो अभी थोड़ा फन टाइम, अभी थोड़ा गेम खेलेंगे पबजी, सबका फेवरेट। हमारी स्क्वाड भी तैयार है, अगर आपको मेरे साथ ज्वाइंट होना हो तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज करना। मेरा पबजी आईडी है LNW24। फिर मिलेंगे ऐसे किसी एक और ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, बी सेफ, फिर मिलेंगे चलते चलते। और हाँ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि आपको ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं।